बोला जाता है कि विश्वास बड़ी से बड़ी चट्टान तक को हिलाने की शक्ति रखता है, लेकिन क्या ये विश्वास असभ्य को सभ्य बना सकता है? आइए जानते हैं हमारी आज की फिल्म की कहानी में। हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग दिस इज नॉट व्हाट आई एक्सपेक्टेड। कहानी की शुरुआत में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम लुजिन होता है, जो एक बहुत अमीर बिजनेसमैन है जिसका काम वर्ल्ड वाइड घूमकर अलग अलग कंट्रीज के होटल्स की डील करना है। लुजिन के काम करने का तरीका बहुत अलग है। उसे जिस होटल का फूड पसंद आता है वो उस होटल को अपनी कंपनी के साथ मिला लेता था, और प्रेजेंट टाइम में भी हम उसे किसी होटल का फूड टेस्ट करते हुए देखते हैं। तभी उसका मैनेजर उससे कहता है कि आपने खाना खाने में काफी समय बर्बाद कर दिया है, इतने समय में हम और भी जरूरी काम कर सकते थे। उसकी ये बात सुनकर लुजिन को उस पर गुस्सा आ जाता है और वो अपने मैनेजर से कहता है कि खाने से ज्यादा जरूरी उसके लिए और कुछ भी नहीं है, और ऐसा बोलकर वो अपने मैनेजर को अपनी कंपनी से निकाल देता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि लुजिन अपने ऑफिस जाने के लिए वहां से निकल जाता है, और जब वो पार्किंग लॉट में पहुंचता है तो वहां पर वो एक लड़की को देखता है जिसका नाम शेंग होता है, जो लुजिन की कार को खराब कर रही थी। दरअसल शेंग को उसकी फ्रेंड ने ऐसा करने के लिए कहा था। उसने शेंग से कहा था कि सेकंड फ्लोर पर उसके एक्स की कार खड़ी हुई है जिसे शेंग को खराब करना है, क्योंकि शेंग की फ्रेंड को उसके एक्स ने धोखा दिया है। पर शेंग को ये बात पता नहीं होती है कि वो सेकंड फ्लोर पर नहीं बल्कि थर्ड फ्लोर पर है। शेंग अपनी इस गलती के लिए लुजिन से माफी मांगती है, पर लुजिन बहुत गुस्सा है। वो उसको बिल्कुल भी माफ करने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन शेंग लगातार माफी मांगती रहती है। शेंग लुजिन को इम्प्रेस करने के लिए बाकी स्क्रैचेस के साथ एक दिल वाला स्क्रैच भी बना देती है, जिससे लुजिन और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वहां से चला जाता है। अब अगले सीन में हम शेंग को एक होटल में फूड कुक करते हुए देखते हैं जहां वो एक ऑर्डिनरी शेफ है। तभी शेंग का मैनेजर उसके पास आता है और उससे अपने रिलेशनशिप के बारे में बात करने लगता है, जिससे ये पता चलता है कि शेंग भी अपने होटल के मैनेजर को पसंद करती है और अपने रिश्ते को और आगे बढ़ाना चाहती है। पर मैनेजर शेंग से इसी बारे में बात करने आता है और उससे कहता है कि मुझे तुम्हारे टाइप की लड़कियां पसंद नहीं है, हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता है। और इतना सुनते ही शेंग का दिल टूट जाता है। फिर तभी लुजिन को दिखाया जाता है जो उसी होटल में विजिट करता है जहां शेंग शेफ की जॉब करती है, और लुजिन को इसी टाउन में एक होटल खरीदना भी है, जिस बात को वहां के सारे होटेलियर्स जानते हैं। सभी वर्कर्स लुजिन के स्वागत में लग जाते हैं। होटल का सीनियर शेफ उसे एक डिश ऑफर करता है पर लुजिन को वो पसंद नहीं आती है। वो उसके पास काफी सारे डिशेस भेजते हैं पर लुजिन सबको रिजेक्ट कर देता है। तभी उसी होटल का मैनेजर किचन में शेंग के पास जाता है और उससे कुछ बनाने के लिए बोलता है। उसके साथ खड़ा सीनियर शेफ उसका मजाक उड़ाने लगता है और बोलता है कि इसको तो कुक भी नहीं करना आता है। तभी शेंग फोकस करती है और वहां रखी सभी चीजों को स्मेल करके कुछ बनाने लगती है। शेंग एक बेहतरीन डिश तैयार करती है जिसको वो सीधा लुजिन के पास लेकर जाती है, और जैसे ही लुजिन वो डिश खाता है उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि ऐसी डिश उसने पहले कभी नहीं खाई थी। उसका टेस्ट और फ्लेवर्स लुजिन को बहुत पसंद आता है। वो उस डिश का दीवाना हो जाता है और उस होटल के मैनेजर से कहने लगता है कि मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि तुम्हारे होटल में इतनी टैलेंटेड लेडी शेफ भी है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब सब लोग शेंग से बहुत इम्प्रेस हो चुके हैं, सब उसकी तारीफ कर रहे हैं। लुजिन भी अपने असिस्टेंट को ये कहता है कि उसकी सभी मीटिंग्स को कैंसिल कर दिया जाए, क्योंकि अब वो कुछ दिन यहीं रहेगा और शेंग का हाथों का बना खाना खाएगा। अब इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ शेंग होटल के रूफ टॉप पर होती है। उसे खुश होना चाहिए पर वो बहुत ज्यादा दुखी है, क्योंकि आज उसके मैनेजर ने उससे रिलेशन खत्म कर लिया है और इसी वजह से वो बहुत सारी शराब पी लेती है। जहाँ नशे नशे में वो आकर एक बालकनी में गिर जाती है, और जिस बालकनी में वो गिरती है वो लुजिन की होती है, जहाँ पर रात में नींद न आने पर वो अपने लिए नूडल्स बना रहा होता है। पर जब उसे बालकनी में किसी के गिरने की आवाज आती है तो वो बाहर आकर देखता है जहाँ वो शेंग को पाता है। वो शेंग को देखकर शॉक हो जाता है और बोलता है कि तुम मेरी बालकनी में क्या कर रही हो। दरअसल लुजिन को अभी तक ये नहीं पता था कि जिसके हाथों का उसने खाना खाया है वो शेफ शेंग है। लुजिन पुलिस को बुलाने की बात करता है, लेकिन शेंग उसके पैर पकड़ती है और नशे में लुजिन को अपना मैनेजर समझने लगती है। वो लुजिन से अपने दिल की बात करती है कि तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया, मैं इतनी बदसूरत हूँ क्या? जिसके बाद लुजिन उसे रूम से बाहर करने की कोशिश करता है पर वो नहीं जाती है। शेंग वहीं पर बेहोश हो जाती है, जिसके बाद लुजिन उसे एक सूटकेस में बंद करके लिफ्ट में छोड़ आता है। तभी होटल के कुछ लेडी वर्कर्स लुजिन को ऐसा करते हुए देख लेते हैं और समझती है कि उसने कुछ गलत किया है, जिसे देखकर वो चिल्लाने लगती है और पुलिस को कॉल कर देती है। पुलिस वहां आकर उसे पकड़ लेती है और अपने साथ ले जाती है। तभी कुछ देर बाद लुजिन को रिहा कराने के लिए शेंग की फ्रेंड और लुजिन का फ्रेंड दोनों एक साथ पुलिस स्टेशन आते हैं, जहां हम उन दोनों को साथ देख समझ सकते हैं कि उनके बीच कुछ चल रहा है। लुजिन का फ्रेंड शेंग की फ्रेंड से फ्लर्टिंग करने की बहुत कोशिश करता है पर शेंग की फ्रेंड उसे भाव नहीं देती है। शेंग की फ्रेंड लुजिन से कहती है कि शेंग ने जो भी बदतमीजी आपके साथ की है मैं उसके लिए आपसे माफी मांगती हूँ। जिसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ शेंग होटल के पार्क में कुछ बच्चों की मदद कर
रही होती है। उन बच्चों ने गलती से अपनी छतरी मधुमक्खी के छत्ते में फंसा दी थी और लूजिन का बैड लक वो उसी टाइम उनके पास वहाँ पर पार्क में आ जाता है और जैसे ही शैंग उस छत्ते को छेड़ती है पार्क में अफरा तफरी मच जाती है और मक्खियाँ लूजिन को आकर काट लेती है जिससे उसका चेहरा सूज जाता है। शैंग उसके लिए माफी मांगती है लेकिन लूजिन को बहुत तेज गुस्सा आता है क्योंकि जब जब शैंग उसके पास होती है तब तब उसके साथ कुछ बुरा होता है, इसलिए वो अपने एक असिस्टेंट को शैंग के हाथों में एक अलार्म वॉच बांधने को कहता है जो एक ऐसी वॉच होती है कि जब जब शैंग लूजिन के आसपास होगी तो लूजिन को इस वॉच के अलार्म बजने से पता चल जाएगा और वो खुद को उससे दूर कर लेगा। उसके बाद होटल के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ लूजिन खाने का ऑर्डर करता है और शैंग उसके लिए नई नई डिशेज बनाती है। लूजिन ऑर्डर करता रहता है और शैंग डिशेज बनाती रहती है लेकिन एक समय पर शैंग थक जाती है जिसके बाद वो एक डिश में स्क्विडिंग डालकर भेज देती है जिसे देखकर लूजिन भी समझ जाता है कि अब शायद वो थक गई है और उसने हार मान लिया है। फिर शैंग का ब्रेक हो जाता है जहां उसके पास होटल का मैनेजर आता है जिसने पहले उसे मना किया था उसके साथ रिलेशनशिप रखने के लिए, पर अब वो शैंग के पास आकर कहता है कि मैंने थोड़ा और वक्त लिया है और इस बारे में सोचा है कि मुझे हट्टी कट्टी लड़कियां नहीं बल्कि तुम जैसी लड़कियां पसंद है, तो आज रात तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, उसके बाद हम दोनों शादी कर लेंगे। ये बात सुनकर शैंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि जब उसका मन करता था वो ब्रेकअप करता था और जब उसका मन करता था वो पैचअप करता था, तो शैंग उसको गालियां देकर वहां से चली जाती है। जहां किचन में आने के बाद उसे एक नोट मिलता है जिसमें लिखा होता है कि तुम बहुत अच्छी ओपोनेंट हो और कभी हार मत मानना, जिसे और किसी ने नहीं बल्कि लूजिन ने भेजा था और जिसे पढ़ने के बाद शैंग भी खुश हो जाती है। और रात में जब वो अपने घर पहुंचती है तो अपनी फ्रेंड को बताती है कि आजकल वो काम में बहुत ही बिजी रहने लगी है क्योंकि उनके जो नए बॉस हैं उनके लिए उसे बहुत सारा खाना बनाना पड़ता है। वो अपने दोस्त को ये सब बताती है कि वो मेरे खाने को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। उसकी ये सब बातें सुनकर उसकी फ्रेंड समझ जाती है कि अब वो अपने नए बॉस को पसंद करने लगी है। अब हमें नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहां उसे होटल में लूजिन का इंटरव्यू चल रहा होता है। इंटरव्यूअर उससे सवाल कर ही रहा होता है कि तभी शैंग भी उसे देख लेती है और शॉक रह जाती है क्योंकि अब तक जिससे वो बार बार गलती से टकरा रही थी वो ही उनके होटल का नया बॉस होता है जो उनके होटल को खरीदेगा, और इस शॉक में वो स्विमिंग पूल में गिर जाती है जहां एक बार फिर से वो लूजिन को डिस्ट्रैक्ट करती है जिससे वो इंटरव्यूअर के सवालों के जवाब उल्टे सीधे दे देता है। अब हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि लूजिन शैंग को तीन डिशेज बनाने के लिए बोलता है, साथ ही में वो ये भी बोलता है कि इन डिशेज में एक अलग सा ट्विस्ट भी होना चाहिए, जिसके बाद शैंग उसके लिए एक बहुत ही ज्यादा स्पाइसी डिश बनाती है जो लूजिन को काफी पसंद आती है। दूसरी डिश में शैंग ने लैम्ब बनाया था जिसमें वो जापानीज टी का फ्लेवर ऐड करती है और वो भी उसे बहुत ज्यादा पसंद आती है। जिसके बाद आखिरी डिश में शैंग उसके लिए एक केक बनाती है जिसमें वो सभी चीजों को ऐड करती है जो लूजिन की फेवरेट होती है, जिसे खाकर वो खो जाता है और एक बार फिर से वो उसके खाने का दीवाना हो जाता है। अब लूजिन उस शेफ से मिलना चाहता है जिसने उसे वो फ्लेवर्स दिए हैं जिसे वो ढूंढ रहा था, पर शैंग अब लूजिन को जानती थी कि वो वही आदमी है जिसके साथ उसने कई बार गड़बड़ की है, इसलिए वो उसके सामने नहीं जाना चाहती थी क्योंकि उसे ये डर भी होता है कि कहीं वो उसे जॉब से ना निकाल दे। वो वहां से भाग जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि लूजिन वॉशरूम जाता है जहां पर शैंग पहले से ही मौजूद है। वॉशरूम के अंदर एक स्पून आकर गिरती है जिसे कोई वॉशरूम के अंदर से ही हाथ डालकर खींच लेता है। लूजिन ये सब देख लेता है और उसको लगता है कि शायद यहां पर कोई चोर है, इसलिए वो दरवाजे के साइड में अपने आप को छिपा लेता है। उसके बाद जब शैंग को लगता है कि बाहर कोई नहीं है तो वो बाहर आती है, पर तभी लूजिन वहां से निकलकर उसके सामने आ जाता है और गुस्सा करने लगता है। उसको बोलता है कि तुम मेरा पीछा करते करते यहां भी पहुंच गई। लूजिन बहुत गुस्सा करता है और शैंग से पूछता है कि तुम्हारी वॉच कहां है, वो अलार्म क्यों नहीं बजा, जिस पर शैंग बोलती है कि शायद उसकी बैटरी खत्म हो गई है। तभी वहां पर एक वर्कर आ जाता है जो डोर ओपन करता है। इस बात का फायदा उठाकर शैंग वहां से भाग जाती है लेकिन लूजिन उसकी शेफ की ड्रेस देख लेता है और समझ जाता है कि शायद ये वही शेफ है जो उसको खाना बनाकर खिलाती है, लेकिन वो ये सब बातें शो नहीं होने देता है। अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहां शैंग काम पर आती है तो लूजिन खुद उससे मिलने जाता है और शैंग से बातें करता है और बोलता है कि तुमने मेरे साथ जो कुछ भी किया है वो तुमने जानबूझ कर किया था। तो शैंग उसे समझाने लगती है और कहती है कि उसने ऐसा कुछ भी जानबूझ कर नहीं किया है। फिर लूजिन उसे केक बनाने के लिए बोलता है और वहां से चला जाता है। जब शैंग केक बना लेती है तो लूजिन उसे टेस्ट करने जा रहा होता है, पर तभी उसके पास उसके डैड की कॉल आती है जो उससे कहते हैं कि तुम अभी तक उसी होटल में क्या कर रहे हो, जल्दी से काम निपटाओ और दूसरे होटल के लिए निकलो। जिनकी ये बात सुनकर वो थोड़ा दुखी हो जाता है क्योंकि उसका अब यहाँ पर मन लग रहा था, उसको यहाँ का खाना बहुत पसंद था जिसकी वजह थी शैंग। अगले दिन वो फिर से शैंग को खाने का ऑर्डर देता है लेकिन उसे पता चलता है कि आज उसका ऑफ है जिस वजह से वो काम पर नहीं आई है, इसलिए लूजिन खाने का सामान लेकर शैंग के घर पहुँच जाता है क्योंकि उसे उसके हाथों का
हुआ खाना बहुत पसंद है, पर शैंग का घर पूरा बिखरा हुआ होता है। वो उसे अपने हिसाब से एडजस्ट करके वहाँ पर बैठ जाता है। शैंग भी उसके लिए एक लॉबस्टर सी फूड डिश बनाकर लेकर आती है, जो लुजिन के साथ बैठकर खाने लगती है। पर लुजिन कहता है कि मुझे अकेले खाना ही पसंद है, अगर तुम्हें खाना है तो कहीं और जाकर खा सकती हो। वो बातें कर ही रहा होता है कि लुजिन शैंग से पूछता है कि तुमने विंडो पर पर्दे क्यों नहीं लगा रखे हैं। वो कहती है कि मुझे सनलाइट पसंद है और काम पर आने के बाद मुझे सनलाइट नहीं मिलती है, इसलिए पर्दे नहीं लगाए हैं। ये दोनों बातें ही कर रहे होते हैं कि बातों बातों में लुजिन को नींद आ जाती है और वो वहीं शैंग के घर पर ही सो जाता है। वहीं दूसरी तरफ ये भी दिखाया जाता है कि अब लुजिन का फ्रेंड और शैंग की फ्रेंड भी एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। लुजिन भी शैंग के अब रोज घर आने लगा था। वो खाना खाता था और वहीं पर सो जाता था। शैंग और लुजिन के बीच नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि नेक्स्ट डे लुजिन शैंग के घर नहीं आता है और न ही वो होटल आता है, तो शैंग सीधा लुजिन के घर पहुंच जाती है। जहां जाने पर उसे वहां लुजिन का फ्रेंड रोक लेता है, लेकिन शैंग उसे चकमा देकर वहां से भाग जाती है और घर के अंदर आ जाती है, जहां वो लुजिन को एक टेबल पर बैठा हुआ देखती है, जहां उसे एक लेडी खाना सर्व कर रही होती है, जो कि लुजिन की पर्सनल शेफ थी, जो पिछले 7 सालों से उसके लिए खाना बना रही थी। जिसको देखकर शैंग को जेलसी होने लगती है, क्योंकि उसके अलावा कोई दूसरा लुजिन के लिए खाना बनाए वो उसको बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। दरअसल में शैंग को उससे अब प्यार हो गया है और वो नहीं चाहती थी कि कोई दूसरा उसे कुछ खिलाए। जिसके बाद लुजिन बोलता है कि उसकी पर्सनल शेफ छुट्टी पर गई थी, लेकिन अब वो आ चुकी है। ये बात सुनकर शैंग को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से निकल जाती है। जिसके बाद हमें अगले दिन दिखाया जाता है कि शैंग अपने किचन में काम कर रही होती है कि तभी वहाँ पर लुजिन की पर्सनल शेफ आ जाती है, जो शैंग से कुछ बातें करती है और बोलती है कि लुजिन को तुम्हारे हाथों का खाना बहुत पसंद है, ये एक बहुत बड़ी बात है, इसलिए मैं तुम्हें एक ऑफर देती हूँ कि तुम भी मेरे साथ काम करो, जहाँ मैं लुजिन के लिए हफ्ते के 5 दिन खाना बनाऊंगी और तुम 2 दिन। ये कहकर वो शैंग को एक लिस्ट भी देती है, जिसमें लिखा होता है कि उसे क्या क्या लुजिन के लिए बनाना है, जिसे देखकर शैंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। पहले तो वो उस लिस्ट को फाड़ती है और फिर रोने लगती है, क्योंकि सिर्फ वो अकेली ही उसके लिए खाना बनाना चाहती थी। इसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ शैंग और बाकी शेफ किचन में होते हैं, तभी वहाँ उनके सीनियर शेफ आ जाते हैं। वो बताते हैं कि लुजिन ने उनके होटल को खरीद लिया है और अब उन्हें और माहिर शेफ चाहिए अपने इस होटल के लिए, इसलिए उन्होंने सबको काम से निकाल दिया है। और तभी वहाँ पर लुजिन भी आ जाता है, जिसको देखकर शैंग वहाँ से गुस्से में चली जाती है। वो अपना सामान पैक ही कर रही होती है कि लुजिन उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उससे बहुत नाराज है, जिसकी वजह से उन दोनों के बीच में बहस छिड़ जाती है। शैंग उस बात से नाराज थी कि लुजिन ने सभी को काम से निकाल दिया था, पर लुजिन उसे बताता है कि मुझे ये करना ही पड़ा, क्योंकि मैं इस होटल को और अच्छे लेवल पर ले जाना चाहता हूँ और इसके लिए मुझे इंटरनेशनल शेफ को यहाँ रखना ही होगा। वो शैंग को ये भी बोलता है कि मैं तुमको इस होटल से नहीं निकाल रहा हूँ, बल्कि मैं तुमको प्रमोट कर रहा हूँ। जिस पर शैंग कहती है कि कोई और रास्ता निकल सकता था बिना उन वर्कर्स को काम से निकाले, तुम में इंसानियत नहीं है। वो गुस्सा करती है और उन दोनों के बीच बात बिगड़ने लगती है और शैंग वहाँ से रिजाइन करके चली जाती है, जिसको देखकर लुजिन को पहली बार बहुत बुरा फील होता है, मानो जैसे वो भी शैंग से प्यार करने लगा हो। और अब उसके चले जाने से उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता है, उसे बस शैंग की याद आ रही होती है, तो वो उस टाउन को छोड़कर यूके के लिए निकल जाता है। और जब ये बात शैंग को पता चलती है कि लुजिन टाउन छोड़कर जा रहा है, तो उसे बहुत दुख होता है। वो बहुत बुरा फील करती है और अपनी दोस्त के सामने रोने लगती है। वो उससे अपने दिल की बात बताती है कि मैंने उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, शायद मैं लुजिन से प्यार करने लगी हूँ, मुझे उसकी याद आ रही है और काश मैं उन्हें ये बता पाती कि मैं उनसे कितना प्यार करती हूँ। और तभी दूसरी तरफ हमें लुजिन को दिखाया जाता है, जो अपने लंदन वाले घर में उदास बैठा होता है। उसकी पर्सनल शेफ उसके लिए खाना बनाकर लाती है, तो वो उस पर भी कोई रिएक्शन नहीं देता है, वो बस शांत और उदास है। अगले दिन जब वो अपने डैड से मिलता है, तो उसके डैड उससे पूछते हैं कि शंघाई में ऐसा क्या हुआ कि तुम वहीं रुक गए, मैंने कई बार तुमसे कहा कि डील करके फौरन वापस आ जाओ। जिस पर लुजिन कहता है कि डैड हमें बहुत दिन हो गए हैं साथ खाना खाए, चलिए साथ खाना खाते हैं। जहां वो अपने डैड से पूछता है कि क्या आपने कभी किसी से प्यार किया है, जिस पर लुजिन के डैड उससे बोलते हैं कि मैं सिर्फ तुमसे और तुम्हारी मॉम से प्यार करता हूँ। उसके बाद लुजिन को ये बात रियलाइज हो जाती है कि शैंग के उसके लाइफ में आने से पहले वो कितना अकेला था, पर अब उसके आने के बाद वो खुश रहने लगा था, मतलब अब उसको उसकी आदत हो चुकी है। वो अपने असिस्टेंट को कॉल करके बोलता है कि हम न्यूयॉर्क से पहले शंघाई जाएंगे। वहीं अब दूसरी तरफ शैंग को दिखाया जाता है, जो अब बेरोजगार होती है, क्योंकि उसके पास अब कोई भी जॉब नहीं है, तो वो अपने डॉग के साथ लुजिन की वही अलार्म वॉच बेचने जाती है। पर अचानक से उस वॉच का अलार्म बजने लगता है, जिससे वो चौंक जाती है और उसे पता चल जाता है कि लुजिन उसके आसपास है। तभी वो टैक्सी लेकर वहां से जाने लगती है, लेकिन तब तक लुजिन उसको देख लेता है, वो उसका पीछा करने लगता है। शैंग एक मार्केट में पहुंच जाती है, जिसका पीछा करते हुए लुजिन भी
उसी मार्केट में पहुंच जाता है। शेंग उसे छुपने लगती है, पर लुजिन को वहां ढूंढने पर शेंग का डॉग मिल जाता है, जो लुजिन को सीधा शेंग के पास ले जाता है, जहां शेंग ने खुद को एक रूम में बंद कर रखा होता है। जहां पहुंचकर लुजिन उससे कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, पर शेंग ये दिखाती है कि वो उससे बहुत नाराज है और उससे नफरत करती है। वो उसे वहां से चले जाने को कहती है, जिस पर लुजिन कहता है कि तुम मेरे लिए एक शेफ से बढ़कर हो, मैं तुम्हें पसंद करता हूं, इसलिए अब गुस्सा छोड़ो और बाहर आओ। तभी शेंग बहुत खुश हो जाती है और शर्माने लग जाती है और हंसते हुए कहती है कि मैं दरवाजा तभी खोलूंगी जब आप मुझे दुनिया की सबसे सुंदर लड़की कहोगे। जहां लुजिन भी कह देता है कि हाँ तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो। ये सुनकर शेंग दरवाजा खोल देती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि लुजिन शेंग को अपने घर लेकर चला जाता है, जहां पर वो दोनों एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं। वो दोनों बहुत खुश होते हैं और एक दूसरे से ये भी कहते हैं कि वो दोनों जल्द ही शादी कर लेंगे, जिसके बाद ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको एक परफेक्ट मैन और एक क्लमजी औरत की कहानी पसंद आई होगी। फिलहाल तो आज की वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। लेकिन तब तक के लिए धन्यवाद।